हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं जा रही हूँ अंडमान। शादी के बाद पहली ट्रिप है मेरी, तो हम गाड़ी से जा रहे हैं दिल्ली तक और फिर रास्ते में मैं शॉपिंग करूँगी। और ये मैं पहुँच गई हूँ शॉपिंग मॉल, तो मैंने शॉपिंग कर ली है। 10,000 की शॉपिंग हो चुकी है अभी और 10,000 की पहले कर ली थी, तो मैंने टोटल 20,000 की शॉपिंग कर चुकी हूँ मैं। फिर मैं यहाँ से जाऊँगी दिल्ली मेट्रो। तो दिल्ली मेट्रो में हम पहुँच चुके हैं। ये देखो, एक बैग इनके पास है, एक बैग मेरे पास है। ये मेट्रो में वो जो पर्ची कटती है शायद वो कटवा रहे हैं अंदर जाने के लिए, एंट्री के लिए। तो ये हमारे पास सामान है, ये हम चल दिए हैं मेट्रो में बैठने के लिए, ऊपर जा रहे हैं। हे गाइस, हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो मैं वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट होने की वजह से डायरेक्ट एंट्री करवाई गई। बहुत जल्दी जल्दी हमारे बैग्स को स्कैन करके, हमें स्कैन करके बहुत जल्दी भेजा गया। तो हम कैबिन क्रू वाली जो बस थी उसी में बैठ के जा रहे हैं, बाकी पैसेंजर पहले ही जा चुके थे। और जो ये दो बंदे बैठे हुए हैं ये भी लेट हो गए थे और हम भी लेट हो गए थे, तो कैबिन क्रू वाली बस में जा रहे हैं। डायरेक्ट फ्लाइट के पास जाना होता है बस में बैठ के पैसेंजर्स को, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस में होती है फ़्लाइट, एयरपोर्ट से थोड़ा दूर खड़ी होती है, तो आप पैदल ट्रैवल नहीं कर सकते हो, बस इसमें जाना होता है। ये हम फ्लाइट है, ये हमारी फ़्लाइट है, तो अब हम इसके अंदर जाने वाले हैं। ये सुपर एक्साइटेड। ये अभी हमें टिकट दिखानी होगी यहाँ पे इनको। फर्स्ट टाइम मैं फ़्लाइट में जा रही हूँ। ये तो आते जाते ही रहते हैं, फ़्लाइट में ही आते हैं, फ़्लाइट में ही जाते हैं, क्योंकि अंडमान बहुत दूर है तो इस वजह से। पर मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में जा रही हूँ। ये लो, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं फ़्लाइट में ऊपर जा रही हूँ। अब मैं अंदर का व्यू भी दिखाऊंगी कि कैसा है आप लोगों को। ये देखो हमारी फ़्लाइट है, अब हम अंदर जा रहे हैं, सब अंदर जा रहे हैं। मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ और खुश भी हूँ। ये कैबिन क्रूज है, एयर होस्टेस ये सामान रख रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि कहाँ सामान रखना है, कैसे बैठना है, थोड़ा इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं वो कि कैसे बैठना है। अपनी सीट नंबर देखिए, अपने अपनी सीट्स पे बैठिए। और ये हमारी फ़्लाइट चलती है, रात का व्यू है, बहुत ही शानदार व्यू था, आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी रात को, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसी फ़्लाइट ज़्यादा अच्छी होती है ट्रेन बसेस से, वहाँ इतना शोर शराबा होता है, यहाँ आराम से पहुँच सकते हो आप 2-3 घंटे में, कहीं भी आपको जाना है इजीली। और ये हमने व्यू की वीडियो बनाई थी, बहुत सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था ज़मीन में छोटे छोटे तारे ही तारे हों, लाइटिंग दिख रही थी। फर्स्ट टाइम बैठते ना तो थोड़ा एक्साइटमेंट होती है, बहुत अच्छा लगता है। आप जब कुछ नई चीज़ ट्राई करते हो तो बहुत अच्छा फील होता है ना, पॉजिटिव और गुड वाइब्स वाली फीलिंग्स आ रही थी कि वाह, पहली बार फ्लाइट में बैठ चुके हैं। अब ये कैबिन क्रूज जो एयर होस्टेस हैं ये इंस्ट्रक्शन देंगे, और थोड़ा बहुत कुछ खाने का लेके आए थे रिफ़्रेशमेंट्स कि आप लोग खा सकते हो, पी सकते हो। ₹400 के दे रहे थे और काजू 200 रुपए के दिए हैं। ये 4 काजू 200 रुपए के हैं, देख रहे हो आप लोग,
हे फ्रेंड्स, अब हम हैदराबाद एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। तो अभी हम 10:30 बजे पहुंचे हैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे। तो अभी हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है 5 बजे, तो अभी हमें इस पे यहीं वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हमें बस लेने आएगी और वो एयरपोर्ट पे छोड़ेगी, फ्लाइट के इधर लेने आएगी। फिर छोड़ने के बाद हम थोड़ी देर एयरपोर्ट पे रुकेंगे, एयरपोर्ट में देखेंगे मतलब क्या है क्या नहीं, खाना खाएंगे और फिर खाना खाने के बाद नेक्स्ट फ्लाइट। हे गाइस, हम हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। वो कितना सुंदर है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो मतलब एयरपोर्ट कम लग रहा है, होटल ज़्यादा लग रहा है। हमने थोड़ी देर रुक के पराठा मिर्ची खाई और फ़ोन चार्ज किया। इंसान जब का सो रहा है कितना सोएगा, उठ जा यार, हैं जा, बहुत देर से सो रहा है ये इंसान एयरपोर्ट पे, क्या करूं मैं इस इंसान का, 2 घंटे हो चुके हैं, खड़ा हो जा, खड़ा खड़ा। हे गाइस, अब हम चेक इन करने वाले हैं, तो हम जा रहे हैं चेक इन करने के लिए। फिर उसके बाद से चेक इन करने के बाद हम जाएंगे उस बस में, वो बस हमें छोड़ देगी फ्लाइट के पास। तो अभी हम जाते समय ये थोड़ी शॉप आ रही थी, चेकिंग के लिए जा रहे थे, तो और ये हमारी फ़्लाइट आ चुकी है, मतलब फ़्लाइट तो यहीं पे थी, हम आ चुके हैं यहाँ। तो अब हम इसके अंदर बैठने जा रहे हैं, आप देख ही सकते हो, ये लो मैं जा रही हूँ ऊपर, आई एम वेरी एक्साइटेड हैदराबाद से उड़ान लेने के लिए। तैयार है हमारी फ़्लाइट और मैं भी तैयार हूँ जाने के लिए। ये उड़ चुकी है हमारी फ़्लाइट, देख सकते हो आप। मैं सो गई थी थोड़ा सा, फिर बीच में नींद खुल जाती है जब ये वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो नींद कहाँ आती है अच्छे से। और पता है ये तो फुल सोते हुए आए, हर पूरे रास्ते सोते हुए आए, मैं फिर भी मतलब बहुत कम सोई क्योंकि नींद नहीं आती यार, ऐसे बाहर इतना अच्छा व्यू हो तो किसको नींद आ सकती है। और जो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में मतलब बैठा हो तो उसको नींद आएगी क्या? नहीं ना, वो तो बाहर ही देखेगा क्या चल रहा है क्या नहीं। और अब हमारी फ़्लाइट लैंड हो रही है, लैंडिंग। अब हम अंडमान में आ चुके हैं गाइस, अंडमान का एयरपोर्ट भी आप लोग देख लेना कैसा है। आपने देखो दिल्ली का नहीं देखा क्योंकि वहाँ हम लेट हो गए थे, आपने हैदराबाद का देख लिया, अंडमान का अभी आप देख लोगे, ठीक है। बाकी दिल्ली का मैं जब वापस आऊँगी आते समय फ्लाइट से आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर। ये हमारी फ्लाइट थी और ये हम बस में बैठ चुके हैं, अब बस हमें छोड़ेगी एयरपोर्ट पर, फ़्लाइट से एयरपोर्ट पे। और ये एयरपोर्ट पे हम आ चुके हैं, अब हम यहाँ से हमारे बैग लेंगे। अब हम ढूंढ रहे हैं हमारे बैग किस साइड मिलेंगे, ये मिल चुके हैं और हम जा रहे हैं घर एयरपोर्ट से। आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे ये ज़रूर बताना, कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और करना मत भूलना प्लीज़, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना, और ये सेकंड वाला व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अगर कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि आप ऐसे बनाओ, ऐसे बोलो, ऐसे करो, क्योंकि आपके सजेशन मैटर करते हैं। थैंक यू, बाय।